एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसन बा, आई होप सो कि अच्छन बा। आज मैं अपने ब्लाउज का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वीडियो ऑलरेडी पहले ही शूट हो चुकी है। और मुझे कमेंट आ रहा था कि आप बिना मेकअप के आप हमारे सामने आइए, तो मैं बिना मेकअप के आपके सामने आ गई हूँ। तो मेरे हाथ वगैरह को देख के आप समझ ही सकते हो कि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गोरी हूँ, जिसकी वजह से मैं खुद बहुत परेशान हूँ अपने गोराई से। और अपने गोराई को कम करने के लिए मैं पेन केक स्टिक वगैरह यूज़ करती हूँ। देख सकते हैं मेरे हाथ को, मेरे जो पैर हैं देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गोरा है। मैं खुद बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। इतना ज़्यादा गोरा होना मुझे नहीं लगता कि अच्छा, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कुछ उम्मीद से ज़्यादा ही गोरी हूँ, इस वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं मेकअप से इतनी ज़्यादा गोरी होती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेकअप से बिल्कुल भी गोरी नहीं होती हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत गोरी ही हूँ, बचपन से नहीं हूँ। बचपन में थोड़ा सांवली थी, मतलब ज़्यादा सांवली नहीं थी, पैदा तो बहुत दूध की तरह गोरी हुई थी, क्योंकि मेरे बचपन की फ़ोटो भी मम्मी के पास है। जब मैं हुई थी ना, दूध सफ़ेद दूध होता ना, बिल्कुल वैसी गोरी हुई थी। उसके बाद धूप में खेल खेल के पढ़ाई लिखाई, तो रंग ना काला होते गया। तो इस समय उसके बाद दोबारा जब मैं धूप वगैरह में जाना कम कर दिया, तो फिर से मेरा जो लेबल है ना गोराई का, वो वापस आ गया। आप देख सकते हैं मेरे गर्दन, मेरे हाथ, मेरे देख के समझ सकते हैं कि मैं ऑलरेडी बहुत गोरी। और बहुत सारे लोग इस निशान को पूछते हैं। तो ये मैं स्कूटी सीख रही थी, तो यहाँ पे ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो एक कांच जो है ना, इसको फाड़ते हुए इसके अंदर घुस गया था। तो जब निकला ना, तो वो पूरा फट चुका था, जिसका ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन पता नहीं कैसे हुआ कि वो निशान के तौर पर बन गया, कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो लो जी, मैं बिना मेकअप के आ गई हूँ, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, आप लोगों ने बोला था, आप लोगों ने नहीं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीदी आप बिना मेकअप के एक बार वीडियो बनाओ, तो मैं बना दे रही हूँ। आई होप सो कि आप क्लियर हो गए होंगे कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गोरी हूँ, खुद अपनी गोराई से बहुत परेशान हूँ। तो चलो मैं शेयर करती हूँ अपने ब्लाउज का कलेक्शन। आज कोई वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, ये मैं रेडी होकर थोड़ा सा कुछ काम करने जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम निपटाने जा रही हूँ। तो आज कोई वीडियो शूट नहीं होगा, कल वीडियो मैंने इसीलिए आज का वीडियो कल ऑलरेडी शूट करके रखा हुआ है, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए देखिए आप लोग मेरे कलेक्शन ब्लाउज के, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बाय बाय। तो निशु भी रेडी हो गए, तुम छुपे क्यों हो? बाय बाय, ठीक है गाइस, बाय। वेलकम बैक टू माई चैनल शालिनी विद शालिनी, आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। लेकिन हाँ, गर्मी की वजह से ठीक नहीं हूँ, गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और अंदर से ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा। एसी चल रहा, फिर भी ये हालत हो रखी है, स्वेटिंग हो रही है और कंटिन्यू एसी मेरा सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेकर रात तक, पूरी पूरी रात मेरी एसी चल रही है, लेकिन एसी भी वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए वीडियो शूट कर पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क हो गया है मेरे लिए, क्योंकि इस रूम से निकलने का मन नहीं करता। मैं खाना कैसे बनाती हूँ, किचन में कैसे रहती हूँ, काम अपने काम कैसे निपटाती हूँ ना, उतनी देर में तो मेरे को कम से कम 3 से 4 बार चक्कर आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। इतनी हाई लेवल की गर्मी है और आप स्वेटिंग देख सकते हैं, और साथ में चल रहा है एसी। एसी चलने के बावजूद भी आप पसीनों का लेवल देख सकते हैं, तो ऐसी हालत हो रखी है। तो चलो, आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था, हालांकि मेरी किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि दीदी आप प्लीज़ अपने ब्लाउज का, प्लीज़ भी नहीं दीदी, आप मुझे अपने ब्लाउज का कलेक्शन दिखाना। तो डियर, मेरे ज़्यादातर ब्लाउज रेडीमेड होते हैं, या फिर मैंने खुद 2-4 ब्लाउजे स्टिच कर रखी है। जितना मुझे आता है ना, मैं थोड़ा बहुत DIY भी करके मैंने ब्लाउजेस बनाए हैं। और सभी ब्लाउज, जब कोई ब्लाउज मैंने DIY किया है, तो आप लोगों के साथ मैंने ज़रूर शेयर किया है। तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि मैंने किस ब्लाउज के साथ क्या DIY किया है। और वैसे तो मेरे सभी ब्लाउज ऑलमोस्ट रेडीमेड होते हैं, तो मुझे कभी कभार टाइम मिलता है तो मैं अपने ब्लाउज को ना स्टिच कर लेती हूँ। तो चलिए, मेरे पास ब्लाउजेस के जो रेडीमेड ब्लाउजेस हैं वो बहुत हैं, मतलब लिमिट से ज़्यादा हैं, तो एक पार्ट में दिखा पाना बहुत मुश्किल है। तो
तो अभी मेरे जितने हाथ में आया है उतना मैं दिखा रही हूँ, बाकी इनको एक साइड रख के फिर मैं आपको अपना नेक्स्ट दिखाऊंगी, अपना रेडीमेड ब्लाउज भी दिखाऊंगी कि मेरे पास किस किस टाइप के ब्लाउज है। अगर आप लोगों ने इस वीडियोस को ज़्यादा प्यार दिया, ज़्यादा सपोर्ट दिया गाइस, तो मैं अपना सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊँगी और भी स्टिच किया हुआ ब्लाउज जो है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी और रेडीमेड ब्लाउज भी जरूर शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लाउज कलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने इस ब्लाउज को अपने हॉल वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा दिखा देती हूँ। और आज इस ब्लाउज को मैंने पहन के रील बनाए हैं। अगर आप लोगों को रील वीडियो देखना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शालिनी सैनी देन सैनी। तो यहाँ पे इस तरीके का नेट का यहाँ पे बाजू लगा हुआ है और फ्रिल वाली स्लीव लगी हुई है। सीक्वेंस की है ये पूरा ब्लाउज, लेकिन इस सीक्वेंस की एक खास बात है, इसमें डबल शेड है। सीक्वेंस पे दो कलर का पेंटिंग है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, वाइट एंड ऑरेंज कलर का कुछ शेड दिया हुआ है। ये सीक्वेंस ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे और इस तरीके का सीक्वेंस मैं मेरे पास ऑलमोस्ट ब्लाउज है इस तरीके की चमकीली वाली, लेकिन इस टाइप के ब्लाउज का ये जो सितारे है ना, क्योंकि ये अपना कलर चेंज करता है, जैसे एक पिलो आया था ना वो अपना कलर चेंज करता है, तो सेम ऐसे ही है ये भी ब्लाउज अपना कलर चेंज करता है। तो ये कुछ ऑरेंज है लेकिन ये गोल्डन में भी आ रहा है और बहुत सारी साड़ियों पे मिक्स एंड मैच हो जाता है गाइस। बहुत सारे ब्लाउज सिलवाने से अच्छा है, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है और बहुत सारे रेडीमेड ब्लाउज खरीदने से अच्छा है कि आपके वार्डरोब में ना कुछ ऐसे गिने चुने ब्लाउज होने चाहिए जिसको आप कभी भी किसी भी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। मैं अपने वार्डरोब में ब्लैक ब्लाउज ज़रूर रखती हूँ। गोल्डन ब्लाउज तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट होता है। गोल्डन ब्लाउज होना वार्डरोब में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर गोल्डन ब्लाउज होता है ना, क्योंकि आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सभी साड़ियों पे गोल्डन काम होता ही होता है, या तो सिल्वर होता है या तो गोल्डन होता है, ये दो ऑप्शन तो होते ही होते हैं। तो इसलिए ना, अगर आप बहुत सारा ब्लाउज नहीं स्टिच करवाना चाहते, साड़ी की मैचिंग का ब्लाउज नहीं स्टिच करवाना चाहते हैं, तो अपने वार्डरोब में जो है गोल्डन ब्लाउज ज़रूर इंक्लूड करके रखिए। तो कुछ भी नहीं है इसमें, ये पैड के साथ है, इस तरीके से यहाँ पे पैड लगा हुआ है और साइनिंग वाला अस्तर लगा हुआ है इसमें। काफ़ी अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है, साथ में गले पे डोरी दिया गया है, सिंपल गोल गला टाइप का है, इस तरीके से बहुत सिंपल है। और इस तरीके की ब्लाउज पे अगर आप प्लेन साड़ी पहनते हैं ना, मैंने आज इसके साथ ब्लू साड़ी पहनी थी, जिसका पिक मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप देख लेना कि कैसा लग रहा था और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरीके का है और 3/4 स्लीव से यहाँ तक की बाजू है, बाजू पे इस तरीके का पैटर्न दिया है। छोटे कहीं जाना है या फिर कुछ है या फिर रील वीडियो बनाने, पिक्चर क्लिक कराने हो, उसके लिए तो बेस्ट है। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लाउज जो कि पैड के साथ है और इसकी जो बटन का सिस्टम है वो पीछे है इस तरीके से, बहुत सिंपल है, सोवर है। सेकेंड ये गोल्डन ब्लाउज मेरा लेने का एक ही रीज़न है कि गोल्डन ब्लाउज जब होता है तो बहुत सारी साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच करने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा ब्लाउज में पैसे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं बहुत कम केस ऐसे हुए हैं जब मैंने अपने ब्लाउज कभी किसी को सिलने के लिए दिया है। आज तक कोशिश करती हूँ कि मुझे ब्लाउज सिलने के लिए ना देना पड़े। तो ये गोल्डन कलर का ब्लाउज है और ये भी पैड के साथ है और इस तरीके का नेट का फ्रिल लगा हुआ है और इसकी फ्रिल पे पाइपिंग लगी हुई है, जिससे ये इस तरीके से ना अपने आकार को चेंज कर रहा है। तो इस तरीके का ब्लाउज जो है किसी भी शादी फंक्शन में हम पहन सकते हैं, बिकॉज इसको लहंगे के साथ भी पहन सकते हैं। और इस तरीके के कपड़े का बना हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा कट बोलते हैं, तो उस टाइप का कट है बिल्कुल, और पफ के साथ है। और इसमें आपको पफ है तो कुछ ब्रा वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से। ब्लाउज जो है, ब्लाउज में अगर पफ लगवाते हैं, अगर पफ वाली ब्लाउज हम स्टिच करवाते हैं, तो उसका कॉस्ट जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मैं अपने ब्लाउजेस को कभी भी पफ में जो स्टिच करती हूँ, कभी पफ के साथ स्टिच नहीं करती हूँ। आप रेडीमेड दो पफ, जो महंगे क्वालिटी का पफ आता है जिसको आप अपने बॉडी के साथ अटैच कर सकते हैं, वो चिपकने वाला आता है और ऑनलाइन आपको बहुत ही इजी मिल जाएगा। जब कभी आप डीप नेक का सूट पहने या फिर ब्लाउज पहने, तो आप आराम से उसको अपने बॉडी पे चिपका सकते हैं, फिट कर सकते हैं, देन आप कोई भी ड्रेस को कैरी कर सकते हैं। और मैंने दो लिए हैं वो वाले पैड,
तो इसलिए मैं कभी भी पैड का कोई झंझट रखती ही नहीं हूँ कि मुझे पैड अटैच करवाना है कि नहीं करवाना है, क्योंकि बिकॉज अगर मुझे डीप नेक जब कुछ भी पहनती हूँ तो मैं उसको यहाँ पे चिपका लेती हूँ और देन कैरी कर लेती हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है, बिल्कुल भी नहीं गिरता है और पूरे दिन स्टे रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके का सिंपल सा नेक दे रखा है, पीछे बटन के साथ है और साथ में डोरी दे रखा है और इस तरीके की। इसको तो मैंने अभी पहना नहीं है तो मेरे पास इसकी कोई पिक्चर नहीं है। तो इस तरीके का ये ब्लाउज है गोल्डन कलर का। तो ये है मेरा सेकंड ब्लाउज, ये आप देख सकते हैं इस तरीके का फ्रिल वाला। और इसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है, फिर भी शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट जो है इस तरीके का पिंक कलर का है जो कि मिरर वर्क के साथ है, और ये भी ब्लाउज जो है पैड वाला है और यहाँ पे मिरर जो है चिपकाए नहीं है इसमें, मिरर के ऊपर वर्क किया गया है कढ़ाई के धागे से इस तरीके का। और इसका जो कपड़े की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, शाइनिंग वाली क्वालिटी है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें स्लीव्स नहीं है तो अगर आप चाहे तो इसके ये रेडीमेड मैंने लिया था, अगर आप चाहे तो इसमें स्लीव दे रखा है आप अटैच करवा सकते हैं, बट मैंने अटैच नहीं करवाया था। और पीछे जो है इस तरीके का आपको यहाँ पे डिज़ाइन दे रखा है, आप चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। बटन भी काफ़ी खूबसूरत दिया हुआ है और यहाँ पे इस तरीके का डिज़ाइन दिया हुआ है, गोल सा नेक करके यहाँ पे बटन का पैटर्न दे रखा है इस तरीके से, बहुत सिंपल है। और इसको मैंने लिया था अपनी नेट की साड़ी के लिए और मैंने कई बार जो है इसको पहना भी है। तो जिन जिन ब्लाउज के मेरे पास फोटो हैं मैं यहाँ पे साइड में लगाते जाऊँगी तो आप लोग देखते जाना। तो ये है मेरा नेक्स्ट वन जो कि मैं कभी भी हाफ नेक की ब्लाउज नहीं पहनती हूँ, बहुत कम केसेस में पहनती हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये इसका पीछे का डिज़ाइन है और ये इसका फ्रंट है, बिल्कुल सिंपल एंड सोवर। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है मेरा मैरून कलर का, मैरून एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन में ब्लाउज। ये ब्लाउज गाइस मेरा ऑलराउंडर है, ये ब्लाउज मेरा सब पे चला जाता है। इस ब्लाउज को बेचारे को मैं बहुत पहनती हूँ क्योंकि ये ब्लाउज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डीप नेक है, ज्वेलरी और साड़ी डिज़ाइन, दुपट्टा, हर एक चीज़ DIY करती रहती हूँ, आप सबको पता है। तो इसलिए आप जो लोगों को नहीं पता है उन लोगों को ही मैं बता रही हूँ कि मैं ये सभी चीज़ें खुद घर पे ही करती हूँ, यहाँ तक कि अपने लटकन भी खुद ही बनाती हूँ। अभी मैं आपको एक ब्लाउज भी दिखाऊंगी जिसका लटकन और ब्लाउज मैंने DIY करके बनाया था। तो ये है बहुत ही सिंपल सा, इसमें भी मैंने पफ नहीं लगाया है और ये ब्लाउज को मैंने बनाया है इस तरीके से, यहाँ पे डिज़ाइन मैंने दिया हुआ है और इस तरीके से पाइपिंग के साथ ना मैंने यहाँ पे ये वाला पफ बनाने की कोशिश किया था। और ये इसका जो लेंथ है ना मुझे और बड़ा रखना था लेकिन ये मुझसे छोटा हो गया, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जोड़ लगा के बनाया हुआ है, तो यहाँ पे पाइपिंग देके इस तरीके से मैंने कुछ, मुझे इसको ना कुछ ज़्यादा ही फुलाना था लेकिन ये मुझसे फूला नहीं, उतने अच्छे से नहीं आया। ये इस तरीके से कुछ इसका पैटर्न है, यहाँ पे 3-4 इस तरीके से मैंने ऐसे ही दे दिया, जैसे भी मुझे समझ में आ रहा था दे दिया मैंने। और मुझे इसको ना कुछ ऐसे उठा के बनाना था लेकिन मुझसे नहीं बना। और सिंपल है इस तरीके से, नेक है इसका बिल्कुल बंद नेक है और बस पीछे इसकी यही खासियत है कि ये काफ़ी डीप नेक है इस तरीके से। और इसका ऐसे ऐसे करके डिज़ाइनिंग आता है जो कि पूरा बैक जो दिखता है बहुत खूबसूरत लगता है। और साथ में मैंने लटकन लगाया हुआ है गोल्डन कलर का डैड सीट और इसका कपड़ा ही बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए ये कई साड़ियों को जो है कवर कर लेता है। इस तरीके का ब्लाउज वार्डरोब में होना सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये मैं अपने करवा चौथ की जो मैंने साड़ी बाई किया था उसका ब्लाउज है और इसमें भी मैंने पफ नहीं लगाया है, यहाँ तक कि स्लीव है इसकी इस तरीके की, ये भी स्लीव मुझसे छोटी हो गई। मुझे जब मैं सोचती हूँ कि अपने बाजू की स्लीव बड़ी बनाऊँ तो वो पता नहीं क्यों मुझसे गलती से हर बार छोटा हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो बिल्कुल सिंपल बनाया है और यहाँ पे नेट का बाजू लगाया है और इस तरीके से पीछे इसकी डिज़ाइनिंग है, इस तरीके से मैंने कपड़े की पोटली बना बना के लगाई हुई है और अंदर की तरफ यहाँ तक का मैंने जो है कपड़ा देके इसका डिज़ाइनिंग बनाया है ताकि यहाँ से कवर हो सके और इतना जो है नेक जो है थोड़ा सा बस नज़र आए। तो इसलिए मैंने नेट पे कोई भी अस्तर नहीं लगाया है, अस्तर जो है मैंने नीचे नीचे ही लगाया है इस तरीके से,
कुछ डिजाइनिंग बना के। तो इसमें भी पफ नहीं लगाया है, इसमें बस मैंने साइड में जिप लगा दिया है। और साइड में जिप लगाने के बाद भी मैं बहुत पछताई हूँ गाइस कि मुझे आई थिंक साइड में जिप नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि ये जिप मुझे बहुत परेशान करता है। जिप लगाने के बजाय मैं पीछे इसको ना बंद रख बटन लगा देती तो ज़्यादा बेस्ट था। तो बहुत सिंपल है, सिमर मतलब सीक्वेंस का है इस तरीके का ब्लाउज, जो है किसी भी साड़ी के साथ चल जाता है। आई थिंक मेरे एनिवर्सरी पे भी मैंने अपने दूसरे वाली नेट की साड़ी के साथ भी इसको कैरी किया था, जो कि बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि ये उस साड़ी का ब्लाउज नहीं है। तो ये है इस तरीके से, और पोटी लगा के इस तरीके से बनाया है, बिल्कुल सिंपल जैसे मुझे आता है। और मैं सही बताऊँ, मैंने कोई किसी का और सिल के नहीं दिया है, लेकिन हाँ जब बहुत टाइम हो जाता किसी चीज़ को हाथ लगाए ना, तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को भूल जाते हो। जैसे मैंने आज से कई साल पहले कार चलाना सीखा था, और उसके बाद मुझे ड्राइव करने को नहीं मिला, क्योंकि पहले हमारी गाड़ी थी तो मैं ड्राइव कर लेती थी थोड़ा बहुत इधर उधर जाके, तो हाथ सेट था। लेकिन उसके बाद जब गाड़ी नहीं है तो फिर वो चीज़ मैं धीरे धीरे भूल गई। तो ये हर किसी के साथ होता है, जब आप किसी चीज़ को आपको ना काम करने को नहीं मिलता ना, तो आप आपके दिमाग से उतर जाता। अभी क्या है, बच्चों के एक साल बर्बाद हुए हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। बच्चों के स्कूल बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, बच्चे बहुत कुछ भूल गए हैं। अभी निशु जे भी उल्ट जे ऐसे बनाने के बजाय ऐसे बनाना सीख गया है, तो अभी मुझे बहुत डिफिकल्ट होती है अपने बच्चे के साथ जो है स्टडी कराने में। लेकिन जब से उसका क्लासेस स्टार्ट हुए, पढ़ाई स्टार्ट हुई है ना, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पूरे एक साल हमारे बच्चों के जो है करियर बर्बाद हो गया। मुझे तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है गाइस, कि किसी भी मैं अपने बच्चे के करियर के साथ ना बिल्कुल भी कभी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा फील होता है कि हाँ मेरे बच्चे का करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फर्स्ट में पढ़ के फिर से दोबारा उसी में पढ़ना पड़ रहा है, तो ये तो हर पेरेंट्स के लिए दुख की बात होगी। फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली ये वाला ब्लाउज सिला है, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जैसा फोटो में देखा है ना मॉडल को, बिल्कुल वैसा ही ब्लाउज बनाया है, और थोड़ा सा साइज में बड़ा बनाया है। कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं पहले मोटी थी और अभी इधर बीच में थोड़ा सा दुबली हो गई हूँ, और अभी मैंने डोरी में कुछ भी नहीं लगाया है, मैंने फिलहाल बस डोरी लगाई हुई है। तो इनमें अभी लटकन बाकी है गाइस, तो बिल्कुल सिंपल रखा है जैसे मॉडल ने पहना हुआ था। इस तरीके का स्लीव्स है इसमें, और पूरा डीप नेक है इस तरीके से। डेड सीट जब मैं इसको पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। ये मैंने साड़ी की कपड़ा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो बना लो, और ये वाला कपड़ा मैं बनाए बिगर रह ही नहीं पाई मैं, क्योंकि इसका जो ब्लाउज का कपड़ा था ना, मैं अगर साड़ी बिल्कुल प्लेन थी गाइस, बिल्कुल प्लेन थी, और उसके साथ मुझे ये वाला ब्लाउज का कपड़ा मिला हुआ था, उसके साथ मैं कोई और ब्लाउज कैरी करती तो वो साड़ी का जो लुक है ना, वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाने वाला था। इसलिए मजबूरी में ही मुझे ये वाले ब्लाउज सिलने पड़े, क्योंकि इस तरीके का सितारे के साथ प्लेन साड़ी को ही वो कवर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कवर कर सकता। अगर मैं उसके साथ कोई गोल्डन पहनती, कोई और पहनती, तो वो जो फ्रिल वाली साड़ियाँ हैं ना, उसका लुक पूरा ख़राब हो जाता गाइस, सच बता रही हूँ। तो इसलिए मैंने इस वाले ब्लाउज को मैंने फाइनली सोचा कि मैं कैसे भी करके टाइम निकाल के स्टिच करूँगी, तो ये वाला ब्लाउज मैंने सिला है। इस तरीके का इसका स्लीव्स, मैं कभी भी छोटा स्लीव्स नहीं पहनती हूँ, तो ये है। और सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और ये पैटर्न मैंने बहुत देखा था, और ये पैटर्न अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसलिए मैंने ये पैटर्न बेल्ट वाला पैटर्न जो है बना दिया है, प्लेन कपड़े के साथ बनाया है, ताकि इसका लुक जो है उभर कर आए। और यहाँ पे मैंने दो बटन अटैच किए हुए हैं इस तरीके से, और ऐसा सेम मैं गोल्डन भी बना रही थी, जो कि साइज में छोटा हो गया। ओके, और उसके बाद जो है ये मेरा एक ग्रीन कलर का ब्लाउज है, जो कि वेलवेट का ब्लाउज है, और इसको भी मैंने बहुत इसमें तामझाम किया है, बहुत ही ज़्यादा गोटा पट्टी फलाना ढमकाना लगा के ना, पहले मैं चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा उसको चमकीला बनाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती थी, तो इसलिए इस ब्लाउज का लुक कुछ ऐसा ही है। मैं आपको दिखा दूँ, और आप लोगों को याद होगा तो विंटर में मैंने एक कुर्ती बनाई थी ब्लू कलर की, वेलवेट की, आई होप सो कि आप लोगों को याद हो। तो ये बिल्कुल इस तरीके का ब्लाउज है, सिंपल है, और ये पूरा वेलवेट का ग्रीन कलर का कपड़ा है, जिसमें मैंने ये पट्टियाँ लगा लगा के बनाई है। और यहाँ बस ये गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे मुझसे ना सेम मतलब अलग टाइप का गोल्डन कपड़ा लग, ये जो लेस होते हैं ना अलग टाइप का लग गया है, इसलिए थोड़ा सा
लेकिन पहनने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ये बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने इसको ग्रीन साड़ी के साथ, रेड साड़ी के साथ कई बार पहना हुआ है, और ये इसमें मैंने इस तरीके से डोरी लगाई हुई है, और यहाँ पे भी मैं एक पैच लेकर आई थी। ये मैंने कढ़ाई नहीं किया हुआ है, पैच लगाया हुआ है, इस तरीके से पैच वर्क लगाया हुआ है, और ये भी काफ़ी डीप नेक के साथ मैंने बनाया है, ये देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे एक पट्टी लगा दिया है चौड़ी सी, बहुत सिंपल है, और इसका जो बटन है वो आगे फ्रंट में है, तो ये है। तो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को रेडीमेड ब्लाउज दिखाने वाली हूँ। और ये मैंने ब्लाउज बनाया था काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी साल पहले मैंने ये ब्लाउज बनाया था, जो कि इसका बाजू वगैरह भी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ पहनने के बाद ये ब्लाउज हमेशा एक नया लुक देता है हर साड़ियों के साथ। इस बेचारे ने मेरा साथ दिया है, तो जो ब्लाउज मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं ना, मैं उनको कभी छोड़ती नहीं हूँ। तो बाजू इसकी काफ़ी लंबी है, और सिंपल ब्लाउज था, और जिसमें अब मैंने न्यू एडिशन किया है, यहाँ पे मैंने पैच वर्क लगाया है, और इस तरीके का कपड़ा लेकर आई थी मैं, ये बटरफ्लाई वाला, और इसमें मैंने फ्रॉक का पूरा स्टाइल दिया है, और ये पूरा लेस लगा के बनाया हुआ है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी है। तो ये ब्लाउज आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही रखा है, ये ब्लाउज पहले कैसा था और अब कैसा है, कितना फर्क है इस ब्लाउज में, तो ये देखिए। इसकी फोटो है मेरे पास, मैं लगा दूंगी। तो मैं ये फ्रॉक स्टाइल भी मुझे कुछ नया ट्रेंड लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको बना दिया है। और अब मैं आपको बहुत ही जल्दी अपने जो है गोल्डन ब्लाउजेस के कलेक्शन दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं इसको दिखा नहीं रही, इसको अभी मैं साइड में ही रख रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो ये रेडीमेड ब्लाउज के कलेक्शन का वीडियो मैं बहुत जल्दी बना दूंगी, अगर आप लोग कहोगे तो, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत सारे ब्लाउजेज हैं। तो ये है इस तरीके का हाफ पैटर्न में, और ये देखिए मैं निकाल के तो लेकर आई थी दिखाने के लिए, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो रही है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना गाइस, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाएं। और मेरे रेडीमेड ब्लाउज के कलेक्शन देखने हैं तो बहुत सारा मुझे कमेंट करना, मैं जरूर शेयर करूंगी। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। हाँ साथ के हाँ गाइस, साथ के साथ ना बेल आइकन दबा दिया तो ना, साथ के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना। ओके बाय बाय गाइस।